नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल चाइना और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए तालिबान के हाथों में परमाणु बम जाने का खतरा। यूएस और रशिया रिपोर्ट ने जाहिर की है चिंता। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबान से डर गया है चाइना भी। दरअसल आपको बता दें कि उसका ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से अब बंद करने की बात कर रहा है। दरअसल ग्वादर पोर्ट को कुछ ही दिनों में बंद कर देगा, डर की वजह से। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक एक करके जानना बेहद जरूरी है आखिर क्या कुछ मामला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, चाइना और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए तालिबान के हाथों में परमाणु बम जाने का बड़ा खतरा। अमेरिकी रिपोर्ट ने जाहिर की चिंता। भारत के लिए भी एक तरीके से चिंता का विषय। दरअसल इन दिनों भौगोलिक स्तर पर हो रहे तमाम हलचलों ने दुनिया को काफ़ी परेशान कर रखा है। एक मसला खत्म होता नहीं कि दूसरी कोई बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद तालिबान के दोबारा कब्जे की खबरों से उठा तूफान अभी थमा नहीं है। एक नया दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया में प्रतिबंधों को फिक्र छोड़ते हुए अपने परमाणु रिएक्टर यांगवान को फिर से शुरू कर दिया है। इसी रिएक्टर में एटमी हथियारों के लिए प्लूटोनियम तैयार किया जा रहा है। उपग्रहों से मिली तस्वीरों का हवाला देते अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया कि उत्तर कोरिया के इस रिएक्टर से जुलाई से परमाणु गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। लेकिन ये तो आपको बता दें कि उत्तर कोरिया, लेकिन भारत की चिंता करने वाली बात यह है कि खास करके चाइना और पाकिस्तान का एक साथ तालिबान के प्रति रुझान, तालिबान की मिसाइल साइलोम मिसाइल के साथ साथ तमाम परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के अंडर में हैं वो तालिबान के हाथ न लग जाए। तालिबान के हाथ परमाणु बम जाने का खतरा भी है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि उधर उत्तर कोरिया, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, ये सब परमाणु संपन्न देश और खास करके पूरी की पूरी जो परमाणु हथियार बनाने की एक रणनीति और तरकीब है वो सब ये देश जानते हैं। और आने वाले दिनों में इस चीज़ को चुरा करके तालिबान के भी हाथ लगाया जा सकता है। यानी तालिबान के हाथ अगर लगा तो समझिए कि इस टेक्निक को चुरा करके तालिबान भी परमाणु संपन्न देश बन सकता है। और इस वजह से भी चिंता जाहिर की जा रही है। अगर ऐसा हुआ या ना हुआ तो तालिबान खास करके जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान को आँख दिखा रहा है और जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खास करके TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिस तरीके से इमरान खान को चेतावनी और पाकिस्तान में शरिया कानून लगाए जाने का ऐलान कर दिया है, इसके बाद से ये नहीं कहा जा सकता, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चाइना जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर कब्जे के बाद परमाणु बम को अपने कब्जे में ले सकता है। दरअसल अगर आपको बता दें कि खास करके बात करें तो भारत खुद परमाणु संपन्न देश है, ऐसे में शत्रु पड़ोसियों के मुकाबले तैयारी परमाणु इंतजामों के बारे में सोचना और तैयार होना पड़ता है। तालिबान को लेकर भी कुछ ऐसा ही आशंका जताई जा रही है। कुछ आकलन कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान का दुलारा तालिबान परमाणु हथियारों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा हुआ तो एटमी हथियारों तक उस किसी आतंकी नेटवर्क के पहुंच और कब्जे को पहला मामला बन सकता है। ऐसे में दुनिया का क्या अंजाम हो सकता है इसकी कल्पना नहीं लगाई जा सकती। उधर वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने देश से बाहर कर चुके उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के अमेरिका के साथ चलने वाली सतत कहासुनी से पूरा विश्व परिचित है। 3 वर्ष पहले 2018 में किम जोंग उन ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि ये एक न्यूक्लियर बटन उनकी टेबल पर मौजूद है और उनका हाथ उस पर रहता है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर बटन भी काम करता है और ज़्यादा बड़ा ताकतवर है। एटमी जंग के प्रतीक के रूप में गढ़े गए न्यूक्लियर बटन पर हुए जुबानी जंग से उस वक्त यही बड़ी आशंका पैदा हो गई थी। और बात बात में पाकिस्तान भी एटम बम यानी परमाणु बम का धमकी भारत को भी देता रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले भविष्य में एक तरीके से इसे थ्रेट के रूप में और चिंता के रूप में भी देखा जा रहा है कि कैसे परमाणु हथियार जो है तालिबान के हाथ लगा तो मानवता और दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबान और खास करके आतंकियों के डर से चाइना ने ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है चीन की वो तबाह हो चुका है। चाइना डर के मारे वहाँ ग्वादर पोर्ट से कोई भी व्यापार ना करने का फैसला किया है। देखिए,
अभी इस खास करके इस रणनीति को समझिए और इनकी कूटनीति को समझिए चाइना और पाकिस्तान की। एक तरफ चाइना पाकिस्तान तालिबान को बढ़ाने की बात करता है और उनका प्रयोग करता है, तो दूसरी तरफ उनको डर भी लगता है। ताज़ा मामला ये निकल के आया है कि चाइना ने ग्वादर पोर्ट से अपने व्यापार को पूरी तरीके से ठप्प कर दिया, यानी CPEC के जरिए विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट को पूरी तरीके से अब चीन और पाकिस्तान जो है वो बंद करने जा रहे हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से नगण्य के बराबर होगा, वहाँ से कोई बिजनेस व्यापार नहीं होगा। इसका मेन जो रीज़न है वो माना जा रहा है कि सुरक्षा की चिंताओं के बीच ये धीमा पड़ गया है CPEC प्रोजेक्ट के जरिए ग्वादर पोर्ट, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हिंद महासागर से जुड़ने के लिए चीन को अब म्यांमार अधिक अनुकूल दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिंद महासागर से जुड़ने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता अपना लिया है। अभी हाल ही में ग्वादर पोर्ट के पास भी जो ब्लास्ट हुए थे उनमें कई चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी और ये निशाना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने की थी। तो दोस्तों चाइना को अच्छे तरीके से पता है कि ग्वादर पोर्ट को अगर हम शुरुआत भी कर देंगे तो आए दिन वहाँ पे बम धमाके ही होते रहेंगे। ऐसे में चाइना जो है वो अब नई रणनीति बना रहा है, खास करके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। दरअसल चाइना ने म्यांमार बॉर्डर से लेकर चेंगदू के बीच नए बने रेलवे लाइन पर शिपमेंट शुरू करने जा रहा है, ये रिपोर्ट चीनी स्टेट मीडिया ने दे दी है। और इस नए रूट पर शिपमेंट शुरू होने से चाइना को हिंद महासागर तक सड़क रेल परिवहन चैनल मिल जाएगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन म्यांमार न्यू पैसेज के जरिए एक परीक्षण कार्गो 27 अगस्त को सिंचुआन प्रदेश के चेंगदू रेलवे बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समुद्र सड़क रेल लिंक होगा। सिंगापुर से सामान यांगून बंदरगाह पहुंचेगा और उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर के माध्यम से जहाज पहुंचेगा और फिर यूनान प्रदेश में म्यांमार चाइना सीमा के चीनी हिस्से से लिंकोंग तक सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, नई रेलवे लाइन लिंकोंग से चेंगदू तक जारी है। और इस बीच आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रास्ता सिंगापुर म्यांमार के चीन की रशद लाइनों को जोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाइना जो है अब एक तरीके से डरा हुआ है। चाइना जो है वो अब दूसरे रास्तों से अपने व्यापार को बढ़ाने जा रहा है, जबकि ग्वादर पोर्ट को डर के मारे बंद कर भाग रहा है। अब आप समझिए कि उन आतंकियों से, जब एक तरीके से आतंकियों का समर्थन चाइना और पाकिस्तान करते हैं लेकिन अब उन पर ही आतंकी हमलों का डर सता रहा है, यही कारण है कि अब चाइना और पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट छोड़कर भाग चुके हैं। यानी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के डर से चाइना और पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट छोड़कर दूसरे जगहों से व्यापार करने का फैसला किया है। तो ये दो बड़ी खबर काफ़ी अहम थी, कमेंट माध्यम सुझाव देना ना भूले दोस्तों। अगर चाइना जो है अगर तालिबान के हाथों अगर परमाणु बम लगते हैं तो क्या हालात होगा मानवता को लेकर, अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे इस पर पूरी दुनिया के तमाम देशों को मिलकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो 13 देशों ने मान्यता दे दी है खास करके आतंकवादी के रूप में तालिबान को नहीं बताया गया है, वो चीज़ें आप किस नज़रिए से देते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक